आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। पूरे संविधान को ओवरऑल मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता दिया हूं और इस वीडियो लेक्चर जो दो है उसमें भारत के संविधान को देखिए, यहाँ चार पांच पॉइंट्स में मैंने उसको वर्गीकृत किया है। सबसे पहले संविधान की विशेषता, संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष, संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, ये सब क्या होता है, संविधान की विशेषता क्या है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इस पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को नहीं अपनाया गया है। ये शासन प्रणाली अमेरिका में चल रही है, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, अभी मैं इसको बताऊंगा डिटेल में। संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण, तो पहले तो संघात्मक शासन प्रणाली है क्या और फिर उसके फीचर क्या है, लक्षण क्या है, उसके दोष क्या है और एकात्मक शासन प्रणाली क्या होता है। तो संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली क्या होते हैं, क्या हैं इनके लक्षण, क्या इनके दोष हैं, तो इस वीडियो लेक्चर दो के माध्यम से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में तो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आप परीक्षा में नहीं भी बैठ रहे हैं तो भी इस विशेषता को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले संविधान की विशेषता। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि ये जो विशेषताएं या लक्षण लिखे गए हैं पॉइंट पॉइंट करके, ये कोई अंतिम लिस्ट नहीं है, कोई अंतिम सूची नहीं है, इसमें और आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ विशेषताओं को या कुछ लक्षणों को या कुछ दोषों का उल्लेख यहां पर किया, ठीक है। आप किसी एक बुक में सारी विशेषताएं या सारे लक्षण नहीं पा सकते हैं, किसी इंटरनेट के किसी एक साइट पे भी आप सारी विशेषताएं या सारे लक्षण नहीं पा सकते हैं, ठीक है। और इनको खोजने की जरूरत नहीं है। अगर संविधान का जो है अध्ययन आपने अच्छे से किया है तो उसी में ही ये सब निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले विशेषता में देखिए लिखा हुआ विशाल संविधान, ठीक है, यानी हमारे देश का जो संविधान है ये माना जाता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसी वजह से इसके विशेषता में गिना जाता है। सबसे बड़ा संविधान कैसे से कहेंगे, जो वीडियो मैंने शुरू में बनाया था पहला वीडियो उसमें मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद प्रारंभ में रखे गए थे जिसे 22 भागों में बांटा गया था और उसके साथ ही साथ उसमें आठ अनुसूचियां भी रखी गई थी जो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 464, भागों की संख्या 25 और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो चुकी है। तो इतना ज्यादा अनुच्छेद, इतने ज्यादा भाग, इतने ज्यादा अनुसूचियां विश्व के किसी भी देश के संविधान में हमें नहीं दिखाई देती है। ये केवल भारतीय संविधान में ही ऐसा है और इसके विशाल होने का कारण यही है कि इसमें केंद्र की शक्तियों, कर्तव्यों, दायित्वों के साथ साथ राज्यों के भी शक्तियों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है।
तो विशाल संविधान। दूसरा प्रस्तावना, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। प्रस्तावना को आप देखेंगे कई बुकों में अलग अलग उसके पार्ट्स को विशेषता के रूप में लिखा गया है, यहाँ केवल मैं प्रस्तावना ही दिखा दिया हूँ। अब प्रस्तावना में बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं संविधान की। देश की विशेषता लिखी हुई है, नागरिकों के अधिकारों की बात की गई है, समानता की बात की गई है, ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं। यही तो लक्ष्य है संविधान का। जो प्रस्तावना में विशेषताएं लिखी हुई हैं, यही संविधान का लक्ष्य है प्राप्त करने का। हमारे संविधान निर्माताओं का यही लक्ष्य था कि हमारे देश कैसे हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। ये देश की विशेषता है, संविधान की हमारी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। और इस संविधान की विशेषता जो बताई गई है प्रस्तावना में, शुरू में 5 विशेषताएं, ये विशेषताएं हमारे देश को जो है डिनोट करती हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये भी एक विशेषता है हमारे संविधान की, कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, ठीक है। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या तात्पर्य होता है, जब मैं इस वीडियो के बाद प्रस्तावना पे आऊँगा तब वहाँ डिटेल पे, ठीक है, चर्चा इस पे की जाएगी। बस थोड़ा सा समझिए कि प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है यहाँ पे कि हमारे देश की जो आंतरिक और बाह्य नीतियाँ हैं उसका निर्धारण हमारी खुद सरकार करेगी, किसी दूसरे देश का उस पर कोई हस्ताक्षेप या कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। हमारे देश की विदेश पॉलिसी क्या होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस देश के दौरे पे जाएंगे, किस देश के नेता को अपने यहाँ गणतंत्र दिवस पर बुलाएंगे, ठीक है, या किसी भी अन्य अवसर पे बुलाएंगे, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री तय करेगा। यानी हमारे देश की सरकार तय करेगी, किसी बाहरी देश का नेता या कोई बाहरी देश इसे नहीं तय कर सकता। इसी से कहते हैं कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कोई छत्र छाया नहीं है। उसी में लिखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद समाजवादी, ठीक है, समाजवादी भी हमारे देश की विशेषता है, क्योंकि पूंजीवादी की बात नहीं की गई है, समाज के कल्याण की बात की गई है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भी हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक है, कि किसी भी आधार पे कोई भेदभाव, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म यहाँ रहने वाले केवल नागरिकों का होगा, ठीक है, देश का कोई धर्म नहीं होगा, देश के लिए सभी धर्म एक समान होंगे, केवल नागरिक जो हैं उनके अपने अपने धर्म होंगे, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, यानी यहाँ का जो तंत्र होगा, जो शासन होगा, जो सरकार होगी वो जनता की सरकार होगी, ठीक है, लोगों का तंत्र होगा, लोगों का शासन होगा, जनतंत्र इसको कहते हैं, ना कि राजतंत्र, यानी राजशाही नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए बनाई गई है, जनता के द्वारा बनाई गई है और जनता में से बनाई गई है। इंग्लिश में कहते हैं कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और बी द पीपुल, ठीक है। उसके बाद उसी प्रस्तावना में आप देखेंगे गणराज्य की भी बात की गई, यानी हमारे संविधान की ये भी विशेषता है कि हमारा संविधान गणराज्य है, गणतंत्र है। इसका मतलब होता है गणराज्य का या गणतंत्र का तात्पर्य है कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो राष्ट्रपति का होता है, इससे बड़ा कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं। संवैधानिक पोस्ट मतलब संविधान के अंतर्गत जो सबसे बड़ा पद है उसी को सबसे बड़ा संवैधानिक पद कहते हैं, वो है राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय का भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। वो पद वंशानुगत नहीं होगा, यानी उस पद पे जो व्यक्ति आसीन होगा वो वंश परंपरा के अनुसार उस पे नहीं आएगा, बल्कि जनता के द्वारा उसका निर्वाचन होगा। लेकिन जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, अप्रत्यक्ष तौर से चुनती है। कैसे, जनता के चुने हुए जो राज्यों में और पार्लियामेंट में प्रतिनिधि हैं
उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी विधायक और हमारे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, यही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई, ये सब हमारे संविधान की विशेषता। सामाजिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है, राजनीतिक न्याय की जरूरत है, ठीक है, जिसे पूरा करने के लिए संविधान के अंदर बहुत सारे उपबंध किए गए हैं, जो काफी हद तक बहुत सारे विषयों को पूरा भी किया जा चुका है, बहुत सारे विषयों को पूरा करने के लिए हम अग्रसर हैं। फिर संसदीय शासन प्रणाली, देखिए हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होता है, वो मंत्र परिषद की जो वास्तविक शक्ति होती है वो कार्यपालिका में निहित होती है, ना कि राष्ट्रपति में। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये दो तरह की प्रणाली होती है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि मंत्र परिषद की वास्तविक शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हमारे यहाँ मंत्र परिषद की वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित ना होके प्रधानमंत्री में निहित है, ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जैसे अमेरिका, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर से जनता करती है, प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि सरकार की जवाबदेही बनी रहती है, सरकार के जो भी कार्य होते हैं, चाहे सही कार्य किया हो या गलत कार्य किया हो, सदन में उसकी चर्चा होती है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है भले ही वो किसी सदन का मेंबर ना हो, 6 महीने तक उसे मंत्री बनाया जा सकता है, उसके ज्ञान का लाभ लिया जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। लिखित संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो लिखा हुआ है, चाहे वो केंद्र के विषयों की बात की गई हो या राज्य के बारे में बात की गई हो, दोनों को संविधान में स्पष्ट तौर से लिखा गया है। इसी पे संविधान का भाग 5 और भाग 6 उपबंधित है। भाग 5 संघ सरकार के बारे में बात करता है और भाग 6 राज्य सरकार के बारे में बात करता है। एकल नागरिकता, ठीक है, ये भी संविधान की विशेषता के अंतर्गत आता है। एकल नागरिकता यानी जो नागरिकता हमारे देश में होगी, जो यहाँ के रहने वाले लोग, उन्हें जो नागरिकता मिली हुई है वो केवल देश की नागरिकता है, राज्यों की अलग अलग से नागरिकता नहीं होती है। यानी आप केवल देश के नागरिक माने जाएंगे, राज्य के नागरिक नहीं, ठीक है, कि राज्य की भी नागरिकता हो देश की भी नागरिकता हो ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसको दोहरा नागरिकता कहते हैं, तो दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है, एकल नागरिकता, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पूरे देश में कहीं भी रहे हर व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक माना जाएगा, यानी भारत का नागरिक माना जाएगा। राज्य की भी उसके पास नागरिकता लेने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। मूल अधिकार, ठीक है, ये संविधान की विशेषता है, मूल अधिकार, ठीक है, जैसा कि समता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, ठीक है, 21, 22, ये सब स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये सब जो अधिकार दिए गए हैं ये मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं और ये संविधान की अपनी विशेषता है जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की विशेषता में आता है, ठीक है, जिसमें सरकार के ऊपर, ठीक है, जिम्मेदारी डाली गई है कि आप जिस तरह आर्थिक रूप से जैसे जैसे सक्षम होते जाइएगा, ठीक है, इस देश के कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए, ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत करिएगा, बहुत सारे विषयों को लागू करिएगा, ठीक है, जिसका उल्लेख भाग 4 में, ठीक है, 1936 से 1951 तक में किया गया है,
इसी में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, ठीक है, बुजुर्गों को सहायता देने की बात की गई है, गर्भवती महिलाओं को सहायता देने की बात की गई है, विकलांगों को सहायता देने की बात की गई है, मजदूरों की सहायता देने की बात की गई है, आर्थिक संसाधनों एवं सामाजिक संसाधनों के बंटवारा की बात की गई है, ठीक है, दुधारू पशुओं के रक्षा करने की बात की गई है, पर्यावरण की रक्षा करने की बात की गई है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है, बच्चों के पोषाहार को लेकर के चर्चा की गई है। तो इस तरह से नित्य निषकत्व में बहुत सारे विषयों पर चर्चा की गई है जो कि संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। मूल कर्तव्य ये भी संविधान की विशेषता है जो बाद में 1976 में जोड़ा गया है। एकल न्यायपालिका, हमारे देश में एकल न्यायपालिका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि राज्यों की अपनी अलग न्यायपालिका और केंद्र की अलग न्यायपालिका, नहीं, जो न्यायपालिका है वो पूरे देश की एक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो प्रमुख हमारे यहाँ न्यायपालिका के रूप में विद्यमान है, ये ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट राज्यों का है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का है, नहीं, सभी पूरे देशवासियों का यही है। कोई भी मामला हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला किसी भी राज्य का जा सकता है, केंद्र सरकार का भी जा सकता है। तो एकल न्यायपालिका है, यानी पूरे देश के लिए एक न्यायपालिका है, उसका कोई बंटवारा नहीं किया गया। शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, आप देखेंगे जो शक्तियां हैं, केंद्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकार की शक्तियां बटी हुई हैं, ये विशेषता है अपने आप में। सहयोगी संघवाद, शक्तियां बटी तो हैं, ध्यान दीजिए, हमारी शक्तियां अलग होंगी, आपकी शक्तियां अलग होंगी। जैसे हम दो भाई हैं, ठीक है, हम दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया, हम अपने घर में खा जी रहे हैं, कमा रहे हैं, अगला भाई अपने घर में खा जी रहा है, कमा रहा है, लेकिन एक दूसरे पे कोई निर्भर नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पे, मुसीबत आने पे, या मुसीबत नहीं है, ऐसे कोई जरूरत पड़ गई तो हम दोनों मिल करके एक साथ एक दूसरे का सहयोग करके भी आगे बढ़ेंगे। तो शक्तियों का बंटवारा भी है, कामों का बंटवारा है, धनों का बंटवारा है, सब कुछ बंटवारा है, लेकिन जरूरत पड़ने पे एक होके भी काम करते हैं, एक दूसरे में, एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी लिखा कि शक्तियों का बंटवारा और सहयोगी संघवाद। शक्तियों का बंटवारा तो साफ साफ तौर से लिखा हुआ है भाग 11 के तहत अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन भाग 11 का जो अध्याय 2 है, जिस जो 256 से 263 तक चलता है, उसी में कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है, सहकारी संघवाद की बात की गई है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि जरूरत पड़ने पे केंद्र सरकार अपने कार्यों को करवाने के लिए राज्य सरकार को सौंप सकती है, और राज्य सरकार अपने कुछ कार्यों को करवाने के लिए केंद्र सरकार को भी सौंप सकती है, और एक दूसरे के कार्य करके जो उसकी लागत आती है, खर्च, उसको भुगतान करना पड़ता है। भाई जो मैंने आपका काम किया उसकी जो लागत आई है वो तो आपको देना पड़ेगा ना, ठीक है, आप कोई लाभ नहीं देंगे मुझे, लेकिन लागत तो देनी पड़ेगी। तो ये सहयोगी संघवाद की भी जो है संकल्पना है हमारे संविधान में। द्विसदनात्मक, आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है इसमें दो सदन है, एक परमानेंट हाउस और एक टेम्परेरी हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, इसके मेंबर हर दो साल पे एक तिहाई सदस्य रिटायर होते रहते हैं, और जो रिटायर होते हैं फिर उनका चुनाव होता रहता है, राज्यसभा परमानेंट बनी रहती है। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, सदन अनिश्चित काल के लिए होता है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस होता है, इसलिए इसको निचला सदन कहते हैं, किंतु प्रिय सदन कहते हैं क्योंकि यहाँ सीधे जनता चुन के सदस्यों को भेजती है। तो ये दो सदन है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट के दो सदन हैं। तो वही कहा गया द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की, ये भी विशेषता है, दोनों मिलके काम करते हैं। आपात उपबंध, जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी प्रोविजंस की भी बात की गई है, ठीक है, जैसे कि कोई मकान बनाया जाता है, जरूरत पड़ने पे अगर आग लग जाए तो क्या होगा, उसके लिए देखिए फायर की भी व्यवस्था की जाती है, आग बुझाने की व्यवस्था की जाती है। उसी तरह से संविधान में भी अगर कोई आपात स्थिति आ जाती है, ठीक है, कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर देता है, युद्ध कर देता है, युद्ध शुरू कर देता है, ठीक है, या आर्थिक जो है तबाही देश में आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम उससे कैसे निपटेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है भाग 18 में। लचीला एवं कठोरपन का मिश्रण हमारे संविधान में, ठीक है, जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसमें लचीलापन भी है और कठोरपन भी है।
कुछ ऐसे विषय हैं जिसको बहुत आसानी से संशोधित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो केंद्र और राज्य दोनों के राष्ट्रीय महत्व के विषय नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे विषय जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस देश का, इस संविधान का, उसमें केंद्र सरकार अपने मन से संशोधन अकेले नहीं कर सकती है, राज्यों की भी सहमति जरूरत होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करने वाले नहीं हैं, उस पर केवल केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है अकेले ही, ठीक है। और ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार भी प्रभावित होती है, उस पर राज्य की भी सहमति आवश्यक होती है। तो इन्हें नरमपन भी है और कठोरपन भी है, ठीक है। आप जब अनुच्छेद 368 में देखेंगे, भाग 20 के तहत संशोधन की प्रक्रिया वहीं बताई गई है, तो उसमें बताया गया जैसे कोई विधेयक पास करना है, कोई बजट पास करना है, ठीक है, कोई कानून बनाना है, तो ये सब सामान्य विधेयक से पास हो जाता है। लेकिन जब कोई ऐसा विषय जो राज्यों को भी प्रभावित करता है, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता, उस पे राज्यों का भी अनुसमर्थन चाहिए, आधे राज्यों का भी। अभी इसी विषय को लेकर के भाग 9B जो सहकारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इसी पे राजेंद्र एन शाह बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसी आधार पे कि भाग 9 जो जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2012 से, उसमें राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, केवल पार्लियामेंट ने ही उसे संशोधित किया था। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, वही जुड़ा हुआ है, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है भारतीय संविधान में। जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायपालिका, विधायी कार्यों का, कार्यपालिकीय कार्यों का, प्रशासनिक कार्यों का समीक्षा कर सकती है कि जो कार्य किए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं, ठीक है, तो ये रिव्यू करने की पावर। उसके बाद लास्ट में मैंने लिखा है केंद्रोन्मुख संविधान, ठीक है, यानी केंद्र की तरफ झुका हुआ संविधान, यानी हमारा जो संविधान है इसमें केंद्र को ज्यादा सशक्त करता है, राज्यों को तुलनात्मक रूप से कम, ठीक है। ये भी आवश्यकता अनुसार किया गया है, केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है क्योंकि वो सबका मालिक है, राज्य अपने अपने राज्य के मालिक होते हैं, ठीक है, वो अपने राज्य के हित के लिए दूसरे राज्यों का अहित भी कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है इसलिए वो किसी का अहित नहीं करेगी, वो सबके लिए, वो उसके लिए सब कोई एक समान है, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है संविधान में। तो ये भी संविधान की हमारी विशेषता है। उसके बाद हम लोग आते हैं संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष। क्या है संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष, क्योंकि हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाई गई है, यह शासन प्रणाली अमेरिका में है। गुणों का उल्लेख मैंने किया है कुछ पॉइंट्स, जैसे उत्तरदायी सरकार, यानी संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायी सरकार होती है। आप जब देखेंगे आर्टिकल 75 में, तो 75 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो अपने प्रत्येक कार्य के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन में सरकार के कार्यों पर चर्चा, ठीक है, जो भी कार्य सरकार करती है चाहे गलत हो या सही हो, सदन में उस पर चर्चा की जाती है। सदन में चर्चा होती है तो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है कि सरकार ने क्या किया है क्या नहीं किया। इसीलिए देखिए जितनी संस्थाएं बनाई गई हैं संविधान में, ठीक है, संविधान के अंतर्गत या राज्यों के अंतर्गत, सभी को लगभग लगभग उसे, अगर वो राज्य से जुड़ा हुआ विषय है तो राज्य विधान मंडल में राज्यपाल के माध्यम से, और अगर केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है तो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है और उस पर चर्चा होती है, पूरा देश देखता है। तो वही लिखा है, सदन में सरकार के कार्यों पर चर्चा होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होना,
यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी तो होती है। यही बात अभी मैंने ऊपर बताई कि उत्तरदायी सरकार, यानी सरकार उत्तरदायी होता है, सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है सदन में। फिर लिखा है वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होना, ठीक है, जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है, जबकि आप देखेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी सरकार भी नहीं बहुत ज्यादा होती है। फिर लिखा है बाहरी शक्तियों को, बाहरी व्यक्तियों को मंत्री बनाने पर रोक नहीं, ठीक है, हमारे यहाँ बाहरी व्यक्तियों को मंत्री बनाने पर रोक नहीं, यानी जो सदन का मेंबर है, ठीक है, वो तो मंत्री बनाया ही जाएगा। देखिए जाए, अमेरिका में क्या होता है कि जो मंत्री बनाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वो सदन का मेंबर नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री राष्ट्रपति बना सकता है, लेकिन भारत में जनरली यानी सामान्यतया सदन का मेंबर होना जरूरी होता है, किंतु अनुच्छेद 75 के माध्यम से, ठीक है, आप 75(5) में देखेंगे, 6 में, 75(6) में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि कुछ समय के लिए यानी 6 महीने तक के लिए किसी भी व्यक्ति को सरकार मंत्री बना सकती है, भले वो सदन का मेंबर नहीं है, किंतु 6 महीने से आगे समय तक उसके मंत्री पद पर रहने के लिए जरूरी है कि वो किसी न किसी सदन की सदस्यता जरूर प्राप्त कर ले। उसके बाद लिखा हुआ दल बदल दोष का समापन, ठीक है, एक दल बदल के दोष की बात इसमें की गई थी जिसको समाप्त कर दिया गया 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके, दल बदल पे कानून बना दिया गया। अब कोई व्यक्ति अगर किसी दल को छोड़ के किसी दूसरे दल में, अर्थात किसी एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी की सदस्यता स्वीकार करता है तो वो अगर विधायक है या सांसद है तो उसकी सदस्यता समाप्त तो हो जाती है कुछ दशाओं में। गतिरोध की कमी, ठीक है, यहाँ के संसदीय शासन प्रणाली में जो गतिरोध होता है आपस में उसकी थोड़ा कमी होती है, तो इस तरह से जो संसदीय शासन प्रणाली के आपने गुण देखे, इसके दोष क्या क्या हैं, क्या इस पे जो है आरोप लगाया जाता है। असल में जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, केंद्र में क्या हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट काफी लंबे समय तक रही है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे, 1964 तक प्रधानमंत्री रहते हैं वो भारत के। उसके मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, ठीक है, उसी में फिर जा करके जब देश में इमरजेंसी लगती है 1975 में, तो उस समय जो है कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होता है, यानी अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी उदय होता है, और 1977 में जा करके जब आम चुनाव होता है तो कांग्रेस की बुरी हार हो जाती है और एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है, व्यक्ति के पद पर आसीन होता है जो मोरारजी देसाई जिसको कहते हैं, ठीक है, जनता दल की सरकार बनती है उस समय 1977 में। उसी समय से संसदीय शासन प्रणाली के दोष, ठीक है, सामने उभर के आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जो है विकलांग होगा, हैंडीकैप होगा, तो जाहिर सी बात हो किसी न किसी चीज़ का सहारा लेगा, और अगर वो चीज़ उसे धोखा दे जाए, वो वस्तु उसे धोखा दे जाए, तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता है। कुछ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि उनको फुल फ्लेज कोई बहुमत तो मिला नहीं था, उनके साथ कई राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन था जिसके सहारे से उन्होंने सरकार बनाया था। बाद में चल के चौधरी चरण सिंह के द्वारा अपना इस्तीफा वापस ले लेने से उनकी सरकार 2 ही साल के बाद गिर भी जाती है, ठीक है। वहीं से जो है संसदीय शासन प्रणाली के दोषों पर चर्चा होना शुरू हो जाता है कि क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली की जो उपयोगिता है वो समाप्त हो गई है। तो उसी पे कई सारे पॉइंट्स मैंने लिखा है कि सरकार का अस्थिर होना, यानी सरकार अस्थिर होती है, ठीक है, अब अस्थिर कब होगी, जब उसके पास खुद का बहुमत नहीं होगा उस पार्टी का, ठीक है, गठबंधन से सरकार चलेगी तो सरकार अस्थिर होगी, कभी भी सरकार गिर सकती है, ठीक है। राजनीतिक दलों की बहुलता, राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाने पे क्या होता है, वोट प्रतिशत बट जाता है, ठीक है, सबको थोड़े थोड़े सीट मिल जाते हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो है जो संसद, जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो सरकार चलाने में पूरी तरह से अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकता है।
दल बदल का दोष, ठीक है, जो दल बदल का दोष था फिलहाल उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी हद तक आज भी दल बदल के दोष, ठीक है, सामने उभर के आ ही जाते हैं। नीतियों में निरंतरता की कमी, ठीक है, निरंतरता की, अच्छा ठीक है लिखा, तो निरंतरता की संभावना की कमी। अब होगा क्या, जब सरकार बहुमत की नहीं है, उसको अगले 5 साल बाद चुनाव में जाना है, गठबंधन की गवर्नमेंट है, तो वो जो नीतियां जो पॉलिसी लेकर के आएगी वो कंटिन्यू रहे जरूरी नहीं है। सरकार अपनी पॉलिसी को, ठीक है, अपनी सरकार को बचाने के दृष्टि से उसमें परिवर्तन भी करती रहती है। पता चला सरकार ने कोई पॉलिसी लाई लेकिन जो उसे गठबंधन घटक दल हैं वो उससे सहमत नहीं है, उसके विरोध में आ गया है कोई घटक दल, तो सरकार अपने पॉलिसी में चेंज कर देगी। तो इसीलिए कहा गया कि संसदीय शासन प्रणाली में इस तरह जो नीतियां होती हैं उसमें निरंतरता की कमी देखी जाती है। क्षेत्रीय दलों का उदय, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के उदय हो गए। आप देखिए हर राज्यों में अलग अलग लोकल पार्टियां हो गई हैं। ये लोकल पार्टियां राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को नहीं उठाती हैं, ये अपने क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों को उठाती हैं, ये अपने निजी स्वार्थ की बात करती हैं, देश के हित की बात नहीं करते हैं। तो ये भी संसदीय शासन प्रणाली का एक दोष है। मंत्रिमंडल की तानाशाही, अब देखिए जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट बनाया जाता है, पर जिसकी गवर्नमेंट बनी जो उसमें कैबिनेट है, कैबिनेट जो चाहे वो फैसला ले, ठीक है, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो कैबिनेट की तानाशाही भी सामने आती है, कैबिनेट कभी भी कहीं भी बैठ के अपनी फैसला सुना दिया, कोई भी फैसला ले लिया, ठीक है। एक कुशल सरकार की कमी, फिर देखिए अगला कमी दोष क्या है, कुशल सरकार की कमी, जाहिर सी बात है कुशल सरकार कैसे बन पाएगी उसमें, जब कई सारे घटक दल जुड़ के सरकार बनाते हैं, यानी कई सारे पार्टियां गठबंधन करके सरकार बनाती है, तो सब लोग उसमें कहते हैं हम प्रधानमंत्री, हमें भी बनना है, हमें भी प्रधानमंत्री बनना है। पता चला नई प्रधानमंत्री बनाया गया तो समर्थन अपना खींच लेते हैं, नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया तो भी महत्वपूर्ण पद मंत्रालय में उनको दिए जाते हैं, ठीक है, या पता चला 2 साल के लिए वो प्रधानमंत्री है, 2 साल के लिए वो प्रधानमंत्री है। राज्यों में तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसी शर्त पे ही सरकार बनती है घटक दलों की, कि 5-2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस तरह से जो है एक सरकार में जो कुशलता है, ठीक है, जो और जो उसके मंत्री हैं, ठीक है, सर ये यहाँ पे सरकार की कुशलता में कमी आ जाती, पता चला मंत्री या मुख्यमंत्री कोई अयोग्य व्यक्ति सामने आ गया। इसके अलावा जो मंत्री बनाए जाते हैं वो भी सब अपने विषय में, जिस विषय के वो मंत्रालय उन्हें दिए जाते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें उन्हें जो है निपुणता प्राप्त हो, काफी योग्य हो, कुशल हो, ठीक है। वर्तमान में क्या ध्यान दिया जाता है कि जो जातिगत मंत्री बनाए जाते हैं वो जात देख के मंत्री बनाया जाता है कि किस जात का कितना वोट बैंक है, इस वक्त अगर मंत्री बना दिया गया तो कितने वोट हमें मिल जाएंगे, इस आधार पर मंत्री बनाया जाता है। कौन व्यक्ति अपनी सीट को लगातार जीत के आ रहा है, विपक्षों को भारी मतों से हराता है, भले वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसे मंत्री बनाया जाता है। चापलूस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, जो सरकार के पक्ष में जितना ज़्यादा बोल चाहे उतना बोले, चाहे गलत हो या सही हो, तो ऐसे चापलूसों को मंत्री बना दिया जाता है। तो फिर जब मंत्री ही चापलूस है, अयोग्य है, तो सरकार कैसे कुशल रहेगी। जिस व्यक्ति को जो मंत्रालय दिया गया, पता चला उस मंत्रालय का उसे ज्ञान ही नहीं है, उस विषय की उसे कोई जानकारी ही नहीं, पता चला जिसे वित्त मंत्री बनाया गया उसे तो अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, अब वो क्या वित्त मंत्रालय कैसे देखेगा बताइए, उस पर तो पूरी तरह से नौकरशाही हावी हो जाएगी और नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बन के जो है रह जाएगी। तो इस तरह से जो है एक कुशल सरकार की कमी देखी जाती है। संसद का कमजोर स्थिति, संसद क्यों कमजोर हो जाएगी, अब संसद कमजोर इसीलिए है कि जब घटक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकारें बनती हैं, तो कब संसद भंग हो जाए कोई पता नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण, आप देखिए राजनीति का अपराधीकरण हो गया है बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव हो या देश की बात हो, मंत्रियों को अपराधी, ऐसे मंत्रियों को जो है सदन में रखा गया है जिनके ऊपर मर्डर के केस, रेप के केस,
डकैती के केस, लूट के केस, हत्या के केस, बलवा के केस, ठीक है, चल रहे हैं, चार्ज लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसे लोग को टिकट दिया जाता है। तो जब ऐसे लोग नेता बनेंगे, ऐसे लोग विधायक बनेंगे, ऐसे लोग सांसद बनेंगे, तो ऐसे लोग जो खुद ही अपराधीकरण है, जिनके ऊपर अपराध में लिप्त हैं, वो कानून बनाएंगे, वो देश के हित में कानून बनाएंगे, देश की कल्याण के लिए कानून बनाएंगे, देश के उत्थान के लिए कानून बनाएंगे, समाज के हित में कानून बनाएंगे, नागरिकों के विकास के लिए कानून बनाएंगे, कि अपने को बचाने के लिए कानून बनाएंगे, आप ही बताइए। तो अपराधीकरण बहुत बड़े पैमाने पे अपराधियों को टिकट दिया जाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं या नेता हैं भी, जिनके ऊपर कितने सैकड़ों सैकड़ों केस, FIR दर्ज है, मुकदमे हैं। होता क्या है, सरकार बनती है, केस वापस ले लिया जाता है। अभी इसी विषय पे 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि कोई भी सरकारी केस वापस तभी होगा जब हाई कोर्ट उस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दे। अब मैं थोड़ा सा इस पे आपको चर्चा करूंगा। जब आप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 पढ़ेंगे, तो 321 में केस वापसी की बात की गई है, सरकार के द्वारा जो केस वापस लिया जाता है, 321 में इसका प्रावधान किया गया है, और वहां ये बात बताई गई है कि सरकार की तरफ से लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट के सहमति से केस को वापस ले सकती है। वो कौन सा केस, कोई भी केस, चाहे मर्डर का हो, रेप का हो, डकैती का हो, लूट का हो, हत्या का हो, बलवा का हो, कुछ भी हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस राज्य के हाई कोर्ट से सहमति के बिना केस वापसी नहीं हो पाएगी। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि केस वापसी ही नहीं होना चाहिए जल्दी। अगर केस किसी पे भी FIR दर्ज हुआ है, तो केस वापसी का प्रावधान ही खत्म किया जाना चाहिए, उसका फर्स्ट ट्रायल किया जाना चाहिए, तुरंत ट्रायल करके अगर वो व्यक्ति निर्दोष तरीके से फंसाया गया, तो जिसने फंसाया है निर्दोष तरीके से, उस पे आरोप लगाया जाए और उस पे पेनाल्टी लगाया जाए, उसे जेल भेजा जाए। लेकिन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने संसदीय शासन प्रणाली के गुण एवं दोष देख लिए। हम आते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण क्या है। संघात्मक शासन, देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य होता है कि किसी देश की ऐसी सरकारें जिनकी शक्तियां बटी हुई हों, जिनकी शक्तियों का उल्लेख अलग अलग किया गया हो, उन्हें हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। भारत देश में हमारे यहाँ 2 प्रकार की सरकार है। राज्यों के अपने अलग सरकार होती है, देश के लिए एक अलग सरकार है। दोनों की शक्तियाँ संविधान के भाग 11 के तहत स्पष्ट तौर से अलग अलग उपबंधित हैं। इसी को कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। क्या लक्षण है इसके, लिखा हुआ लिखित संविधान, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में लिखित नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कौन सी शक्तियाँ मुझे हैं, कौन से अगले क्यों हैं। शक्तियों का विभाजन जाहिर हुआ था, शक्तियों का विभाजन ये प्रमुख कारण है संविधान की सर्वोपरिता, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान सर्वोपरि होता है, ध्यान रखिएगा, संविधान सर्वोपरि होती है। दोहरा शासन, ठीक है, दोहरा शासन। अब दो तरह दोहरा शासन का मतलब राज्य का राज्यों पे, हर अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी एक अलग सरकार होती है, फिर पूरे देश के लिए एक अलग सरकार होती है, तो 2 प्रकार की सरकार हो गई, इसी को दोहरा शासन कहा गया है। फिर है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, यानी जो हमारे देश का संविधान है जनरली ये परिवर्तनशील नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इधर विशेषता में पढ़ा था कि इसमें कठोरपन एवं लचीलापन का मिश्रण है, ठीक है। प्रमुख विषयों पे कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य से जुड़े हुए महत्व के विषय होते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों से जुड़े हुए विषय हुए हैं, जिसपे राज्य सरकार या राज्य भी प्रभावित होते हैं, उसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। और उसके बाद दोष में लिखा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली का खर्चीला होना, यानी संघात्मक शासन प्रणाली जो है खर्चीला, जाहिर सी बात है, जब भाई अगर एक किसी के पास एक बेटा है और किसी के पास 2 बेटा है, तो जाहिर सी बात जिसके पास 2 बेटा है उस पर खर्चा ज़्यादा पड़ेगा,
भाई एक कपड़ा सिलवाएगा अपने एक बेटे के लिए तो दूसरे बेटे के लिए भी सिलवाना पड़ेगा, उसके लिए कोई गाड़ी खरीद के लाता है तो अगले के लिए भी लाना पड़ेगा। तो उसी तरह संघात्मक शासन प्रणाली भी है, एक राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार के लिए भी व्यवस्था करिए, केंद्र के लिए भी व्यवस्था करिए, तो खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही। फिर है सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कमी। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है, ठीक है, सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पूरी सत्ता जो है केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य के भी हाथ में है, तो बहुत सारे विषयों पर फैसला लेना अगर है तो भाई राज्यों की भी सहमति जरूरी है, राज्य सहमति नहीं देगा तो आप फैसला नहीं ले पाएंगे। इसलिए लिखा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कमी हो जाती है, जल्दी निर्णय नहीं ले मिलता है क्योंकि राज्य अपनी सहमति नहीं देते हैं। उत्तरदायित्व की कमी, ठीक है, अब उत्तरदायित्व की कमी कैसे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अभाव देखा जाता है, कोई भी दोष हुआ, ठीक है, कोई भी गलती हुई, कोई भी नुकसान हुआ देश को, तो राज्य दूसरे राज्य पे टालते हैं या केंद्र सरकार पे टालते हैं कि केंद्र सरकार फेल्योर हुई है, केंद्र सरकार कहती है राज्य फेल्योर हुआ है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब बाबरी मस्जिद 1992 में ढहाई गई, केंद्र सरकार ने कहा ये राज्य का फेल्योर है, राज्य सरकार कहाँ पे थी, उसकी खुफिया एजेंसी कहाँ थी, कैसे बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। राज्य सरकार कहती है कि आपके पास तो पावर है ही संविधान में कि जब आपको पता था कि वहाँ पे इस तरह से जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए, तो आपने क्यों नहीं उस समय राज्य की शक्तियाँ अपने हाथ में लेके 356 लागू कर दिया। तो यानी होता क्या, जैसे अब ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है, कोरोना काल में लोगों की मृत्यु हुई है, राज्य सरकार कह रही हमारे पास संसाधन की कमी थी, केंद्र सरकार कह रही मैंने तो पूरी जो है तरीके से आप लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया, आप लोग फेलियर थे, आप लोग समय पे मांगे नहीं, ठीक है। मतलब क्या है कि अपना दोष दूसरे पे टालना, ठीक है, तो वो दोष उन पे टाल रहे हैं, वो उन पे टाल रहे हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं किसी का बन पा रहा है, पता नहीं चल पाता है वास्तविक गलती किसकी है। राष्ट्रीय एकता गंभीर समस्या, आप जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकता जो गंभीर समस्या बनेगी है क्योंकि जो राज्य की सरकारें हैं ये अपने क्षेत्रीय महत्व के विषय पे चर्चा करते हैं, क्षेत्रीय महत्व को ज़्यादा जो है महत्व देते हैं क्षेत्रीय विषय को, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व को ज़्यादा विशेष राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जो है ज़्यादा चर्चा करती है, उसको ज़्यादा महत्व देती है, तो जो राष्ट्रीय महत्व होता है वो विषय राज्य के संदर्भ में दब जाते हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्रीय विषयों पे ज़्यादा महत्व देते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली एकात्मक शासन प्रणाली की तुलना में कमजोर माना गया। देखिए ये भी एक दोष माना गया कि जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली की तुलना में थोड़ा सा कमजोर है। तो ये खुद प्रोफेसर डाइसी ने खुद इस बात को कहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली थोड़ा कमजोर होता है एकात्मक शासन प्रणाली की तुलना में, क्योंकि एकात्मक शासन प्रणाली में पूरी सत्ता पूरी शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है, वो जब चाहे वो फैसला तुरंत ले सकता है देश के हित में। संघात्मक शासन प्रणाली में दो अलग अलग गवर्नमेंट बनी हुई है, तुरंत फैसला नहीं हो सकता है किसी विषय पे, ठीक है। उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है क्योंकि हमारे संविधान पे एक आरोप लगाया जाता है कि क्या भारतीय संविधान एकात्मक संविधान है, ठीक है, तो कुछ फीचर्स इसके ऐसे हैं जो एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण दर्शाते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि भारतीय संविधान एकात्मक है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय संविधान एकात्मक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो फीचर हैं जो भारतीय संविधान के संघात्मक शासन होने के बावजूद भी एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण को दर्शाते हैं। पहला है एकल नागरिकता। भाई एकल नागरिकता पूरे देश की एक ही नागरिकता होगी, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता होती नहीं है, तो ये फीचर भी दिखाता है कि भारत में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्यों के लिए होता है लेकिन राज्यों को कोई पावर नहीं, मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं होती, मुख्यमंत्री से कोई सहमति नहीं ली जाती है, ठीक है, कोई राय नहीं ली जाती कि किस व्यक्ति को राज्यपाल आपके यहाँ नियुक्त करें, सीधे केंद्र सरकार जिसको चाहती है उसे राज्यपाल के रूप में जो है भेज देती है, नियुक्त कर देती है वहाँ पे। तो ये जो है एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण है। नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करना है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में होता है, राज्य का उसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, यानी 100% में केवल 99% इसमें राज्य की भूमिका नहीं होती, केंद्र की भूमिका होती, केवल 1% राज्य की भूमिका है और उस भूमिका का कोई महत्व नहीं है,
क्योंकि जब नए राज्यों का निर्माण किया जाना होता है या उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना होता है तो जो विधेयक लाया जाता है वो विधेयक उस राज्य को दिखाया जाता है, ठीक है, उस राज्य को भी दिखा दिया जाता है कि देखिए ये विधेयक मैंने लाया है ये काम करने के लिए। बाकी राज्य उस पर चाहे आपत्ति करे चाहे सहमति दे उसका कोई रोल नहीं होता है, केंद्र सरकार जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। फिर है राज्य सूची के विषय पे संघ सरकार को कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, बहुत सारे दशाओं में आप देखेंगे भाग 11 के अंतर्गत तो राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जबकि विषयों का स्पष्ट तौर से बंटवारा किया गया है कि संघ सूची के विषय पे संघ सरकार, राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार, समवर्ती सूची के विषय पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन कुछ दशाओं में राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिल गया है, तो ये एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण दर्शाते हैं। फिर लिखा हुआ राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग की, देखिए राष्ट्रपति को जब निर्वाचित किया जाता है तो निर्वाचन में पूरा देश भाग लेता है, राज्य भी भाग लेते हैं और केंद्र भी भाग लेता है। लेकिन जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना हो उस पर महाभियोग लगाना हो तो राज्य की कोई भूमिका ही नहीं होती है, यानी संसद के दोनों सदन ही जब चाहे तब, ठीक है, जो प्रक्रिया है उसको पास करके उसे हटा सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति पूरे देश के लिए है वो राज्य, ऐसा तो है ना केवल केंद्र सरकार का है, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है, तो उसके अगर निर्वाचन में पूरे देश की सहमति जरूरी, पूरे देश उसमें भाग लेता है तो हटाने में क्यों नहीं, तो हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें फिर एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण दिखाई देते हैं। आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस जो संविधान में किया गया है उस समय, ठीक है, केंद्र सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में निहित हो जाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर केंद्र सरकार को होती है, तो ये भी एकात्मक शासन प्रणाली के लक्षण दिखाई देते हैं, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो इस तरह से, ठीक है, मैंने आपको इस संविधान की विशेषता, इसके संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, ठीक है, सभी पे बृहद चर्चा किया, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा में दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और साक्षात्कार में इंटरव्यू में तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसको एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इस पर और भी बुक देखिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।